वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग क्रिकेट नहीं देख रहे हैं, हम लोग आए हैं सेमीफाइनल भी नहीं, फाइनल मिस कर रहे हैं और आए हुए गौर सिटी मॉल। ये हमारा सोरा, ये देखो खोल है भाई। गौर सिटी मॉल के अंदर आई थिंक मैच लगा रखा है इन्होंने। यस, काफ़ी लोग मैच देख रहे हैं। ये देखो सेमीफाइनल नहीं, फाइनल हो रहा है भैया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। और गौर सिटी मॉल वालों ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, स्क्रीन लगा रखी है बहुत बड़ी सी, ये देखो सामने। वाह क्या बात है, पूरा मैच प्रीव्यू किया जा रहा है भाई। वाह जलवा है भाई फाइनल का। विश्व कप फाइनल भारत ने वहां पे टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया था। सबको पता है कि वो स्कोर क्या हुआ था, 359। टॉस जीत के आपने फील्डिंग की थी। आज भारतीय फैंस को उम्मीद यही रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और फील्डिंग की, भारत भी कुछ ऐसा ही करे। विकेट इंडियन के सामने, फिर श्री भाई बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी, इसके चलते वो पहले एक घंटे का फायदा उठाने के लिए वो फैसला लिया गया था, पर बहुत आगे निकल गया था ऑस्ट्रेलिया। 359 और 2। मेरे को एक ही चीज़ का मजाल है, मेरे 2 ओवर बच गए थे, मैंने 2 आउट किए थे, 2 ओवर करवा ही देते यार। कभी काफी लोगों का मानना है कि बड़े मैचेस में, ऐसे विश्व कप फाइनल जैसे मैचेस में आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी आप करना चाहेंगे। यहाँ पे पहले बल्लेबाजी की और जो पढ़ना है, छोटा बड़ा हर आदमी से इन्वेस्ट करता है। सही है भाई, दिख सचिन भाई। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कोई एक्स वाई जेड नहीं, हम है जनरेशन लार्ज। Royal Stag packaged drinking water, it's our life, we live it large. Mitchell Stark, oh, थोड़ा जोखिम लिया की सजावट। रोहित शर्मा के लिए तो स्वीप शॉट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, स्क्वेयर भाई। कोई स्कीम भी चल रही है द सर्वर प्रीमियर के पास। अच्छा चॉकलेट एंड वो ये बॉक्स दिखा रखा भैया, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, ये भी चल रहा भाई। और उधर तो अपना वो चल रहा था मैच, आपने देखा ही, अभी पूरा मैच नहीं दिखाऊंगा मैं, आप लोग खुद ही देख चुके होंगे अभी तक। भाई पूजा को कुछ दिला देते हैं, काट ले इनसे, खुश हो जाए, शादी में जाना है तो कुछ पहनना है। ये रिंग लगी हुई है, गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम भी चल रहा है, कुछ इधर भी लगे हुए हैं, कुछ इधर भी लगी। पूजा भी देख रही है क्या लेना है, लेट्स सी। वैसे तो एक अच्छी पहनी हुई है इसने, ये लगी हुई है कुछ ज्वेलरी, कुछ ऊपर भी लगी हुई है, ये रही। शॉट दे रहे हैं भैया, घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हो आप। नाइस, इधर मॉडर्न मंगलसूत्र भी है। तो बहुत महंगा था, ये बैग लेने आ गई हैं। एक्चुअली पता ही नहीं है कि क्या लेना है, बट ये है कि चलते जाओ चलते जाओ, जो अच्छा लगे वो ले लो। पिंक खरीद रही हैं, इतने ढेर सारे पिंक हैं इनके पास तो भी। इधर भी काफ़ी बैग्स लगे हुए हैं, ये लग रहे हैं कुछ पार्टी या शादी में पहनने लायक, सॉरी पहनने नहीं लेने लायक। इधर घूम रही हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है इनको, लेट्स सी। तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूजा को अभी फ़िलहाल। देखो ये मॉल के अंदर ट्रेन चल रही है, ये क्या कर रही है, रील्स देख रही है भाई। ये हमारा भैया, भैया
हेलो मोटे ये लगे हुए हैं, जैसे नाइका लगा हुआ है यहाँ पे, इधर शुगर ने लगा रखा है, और ये भाई स्पेशल कॉटन कैंडी देखो ये लेके रखा है इसने। ये आ गई एक और लंदन बस सीरी। अरे इधर ही मोड़ ला भाई, किंग्स में चल रही है पूजा, देखते हैं क्या मिलेगा। देखो सामने बैग ढेर सारे, लाजपत नगर गई नहीं, यहीं से देखना चाह रही है। लेट्स सी क्या इनको पसंद आता है कि नहीं आता है। हाँ भाई ठीक लग रहा है यहाँ से या लाजपत चलना है? ये फिर से खड़े हो गए यहाँ पे, ये देखो मज़ा आ रही है इनको। आले आले आले, गिनना नहीं भाई। बैग देखने इधर देख रही है, बोल रही थी स्लिंग चाहिए, स्लिंग ही देख रही है, लेकिन डिज़ाइन इसको पसंद नहीं आ रही है। देखो कौन सा लेती है, आई डोंट नो। कैसा ये बढ़िया लग रहा है, ये ले लो यार, वेरी नाइस, ले लो। अभी लगे हैं भाई, फ्रेश स्टॉक बोल रहे हैं ये 10% है। और एक एथलॉन लेके आ रही है, बोल रही है ना लेना, इधर प्रोडक्ट ऑफ द मंथ लगा है। एथलॉन में प्रोडक्ट ऑफ द मंथ लगा हुआ है भैया। एक नई चीज़ शुरू हुई थी ये वर्कशॉप के एरिया में, यहाँ पे आप ना प्रिंट करवा सकते हो, टी शर्ट लेके उसके ऊपर प्रिंट करवा सकते हो, उसकी कॉस्टिंग है ये रही, ये देखो कस्टमाइज करवा सकते हो। वैसे तो साइकिलिंग में है बट हैव टू सी, 49 रुपीज़ बता रहे हैं, इस तरह से आप कस्टमाइज करा सकते हो। ये लग रखा है जैसे कस्टमाइज डिज़ाइन है। 99 में एक छोटे बच्चों का बैट और बॉल भी है, काफ़ी हल्का है ये, मैंने उठाया था तो हमने डीकैथलन वाली इसमें डाल दिया है, स्ट्रॉलर तो पूजा लाई नहीं है, खेल रहा है भैया। अरे भाई इधर देखो, देखता ही नहीं है जब भी वीडियो बनता है। समझ में नहीं आ रहा है इसको, अब ये मोजा लेने जा रही है, ये देखो। ये भाई 1100 रुपए का है, सही लग रहा है मुझे, ये हाफ जैकेट है, और इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत से ढेर सारे फ्लीस हैं, तो भाई फ्लीस को मैं ऐसे स्टाइल अप या ड्रेसअप कर सकता हूँ, सही लग रहा है मुझे ये। 11.99 का खरीदने खुद गई थी और मैं खरीद लिया, फिर वेट करना पड़ेगा इसे। मैं पूजा जो देखो 99 की टोपी आ रही है, ये ले सकते हैं। ये वार्मर्स भी हैं 499 रुपीस की, लोवेस्ट वैल्यू चल रही है, तो ये लेना है पूजा को एक। इनको देखो यार, खरीदें पहले साइज चेक कर लें ऐसे, ये भी सही लग रहा है। अरे लगे हुए जैकेट ढेर सारे, 1000 रुपये से शुरू होते हैं 0°C से, और फिर चले जाते हैं ये -10 तक, ये जो कि सामने आपको दिख रहा है, प्राइस अलग अलग है 6500 का। पुणे में क्लियरेंस सेल लगा हुआ है, सारा गर्मियों का प्रोडक्ट है जो कि सस्ता बेचते हैं, up to 60% ऑफ लिखा हुआ है भाई। 4700 रुपीज़ की शॉपिंग हो गई है, रिसीप्ट निकाल लेते हैं, सेटिस्फाइड थे हम एटलीस्ट, जब ये लोग चेकआउट कराते हैं तब तो सेटिस्फाई कर देते हैं। तो भाई शॉपिंग कर ली थी और एक प्रॉब्लम आ गई थी, एक सामान खरीदा भाई 2500 रुपये का, मैं तुम्हें वापस करना था, तो हमने तुरंत यहाँ पे ऑप्शन नोट किया और उन्होंने 2500 रुपये कैश दे दिया भाई, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तुरंत मिल गया वापस। ये बढ़िया काम किया डीकैथलॉन ने, वेरी गुड। अभी भी मैच चलता चला जा रहा है और यहाँ पर लोग देख रहे हैं, और आपको भी स्कोर बता दें कितना स्कोर हो गया, 121 पे 3 हो गया भाई। ये अभी भी लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पे चलता चला जा रहा है मैच, भीड़ बढ़ गई है, और जैसे ही 4 छक्का पड़ता है उसके दबा के जाते हैं, और ये रहा हाथी यहाँ पे, मजा आ रहा है भैया को, फैब इंडिया आ गए, बड़ा मजा आ रहा है। इधर देखो, इधर देख,
इधर देख भाई, इधर देख। बच्चों का भी है। पूजा ने कुछ लिया है, ट्राई करने जा रही है। 3000 रुपये की है लेफ्ट वाली और ये 5000 रुपये की है। तो मानिवर से तो सस्ते ही हैं यार प्रोडक्ट्स, अगर वैसे आप देखोगे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स। स्टोर भी अच्छा है इनका गौर सिटी मॉल के अंदर, और क्योंकि मैं लॉयल्टी मेंबर हूँ तो शायद कुछ डिस्काउंट मिले, नहीं मिलेगा तो भी लेना तो है ही है। सो भैया हमारे सो गए और हमने फैब इंडिया से तीनों के लिए कपड़े ले लिए। मैंने ले लिए कोटी, पूजा ने ले ली और हमने भैया के लिए भी लिया। अभी आपको दिखाएंगे जब पहनेंगे, तो नेक्स्ट व्लॉग पे आप देखना सिस्टर की जब वेडिंग का जो व्लॉग होगा उसमें आप देखोगे तो हमने फैब इंडिया से ही शॉपिंग की है। पिछली बार हमने मान्यवर से की थी जब इंगेजमेंट था, तो अभी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट डे के लिए हमने लिया है। शादी के दिन तो कुछ और पहनेंगे तब आपको दिखाएंगे, अभी फिलहाल शादी से पहले वाले दिन के लिए हमने खरीद लिया है कपड़े। भैया सो रहा है, शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग पूजा कितने की हुई शॉपिंग? 10000 रुपये की शॉपिंग की है। बस टल्टोज आ गए हैं और इन्होंने 2500 रुपये का एक बैग खरीदा है हरा कलर का। और ये जो बैग्स हैं, एक भूल गई थी फैब इंडिया से अभी शॉपिंग की, और जब मैंने बोला कि वो बैग कहाँ है डिकैथलॉन वाला, तो भूल गई, फिर अभी गई थी लेने के लिए। इतनी शॉपिंग करोगे तो भूल ही जाओगे हैं। शॉपिंग अपनी हो गई है, अब हमने सोचा आपको ऊपर से एक व्यू दिखा दें कि भाई यहाँ कैसा लग रहा है, इतनी भीड़ है और कैसा व्यू आ रहा है ऊपर। ऊपर से भी लोग देख रहे हैं वैसे कि इधर लोग लगे हुए हैं तब से देख रहे हैं। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में बहुत तो चल रहा है। लेंथ के ऊपर और अच्छे लाइन के ऊपर गेंदबाजी की है, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ जरूर वो ठीक तरह से पड़ा है। अब मिचेल स्टार्क ने क्या उनको रिवर्स स्विंग प्राप्त होगा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आई भी राउंड द विकेट है, सोच रिवर्स के साथ अंदर की तरफ आए गेंद तो भाई फाइनली टाइम हो गया है बाहर जाने का। और भाई पूरा वर्ल्ड कप का इंडिया की बैटिंग मैंने काफ़ी मिस कर दी, लेकिन ये मिस किए सिर्फ पूजा के लिए। और काफ़ी शॉपिंग की है पूजा ने, आप देख सकते हो पूरा वीडियो आपने देखा ही है। भैया हमारा सो गया है तो ओ माय गॉड, जो लेना था वो दिलाया नहीं। तो भाई अभी भी बाकी है सामान, कपड़े नहीं चाहिए थे इनको, ज्वेलरी चाहिए थी और ज्वेलरी भाई बहुत महंगी मिल रही थी तो ज्वेलरी नहीं लिया हमने। तो चलिए अब टाइम आ गया है इस व्लॉग को ख़त्म करने का, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पूजा का गुस्सा बरकरार रहेगा।